देखिए मन सुंदर सोमवार से शनिवार रात 8:30 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर। मैं रुचिता को सिर्फ पापा जी के लिए इस घर में लेके आई। आप खुद ही सोचिए ना, अगर रुचिता सही समय पे नहीं आती और पापा जी को कुछ हो जाता तो। कुछ ज्यादा ही मन मर्जी नहीं चलाने लगी हो तुम अपनी ऋतु? तुम्हारी सास अभी जिंदा है, एक बार भी मुझसे पूछना जरूरी नहीं समझा तुमने? ऋतु ने कुछ गलत नहीं किया है पूनम, तुम इसे अपना सास होने का दर्जा दिखा रही हो ना, ये मत भूलो कि मैं भी अभी जिंदा हूँ। अगर रुचिता समय पर नहीं आती ना, तो शायद मेरा बेटा और तुम्हारा सुहाग हमारे बीच ना होता। माँ, एक बार और पापा जी से मिलकर चली जाऊंगी मैं। वो शायद उस दिन पार्क में उन्होंने मुझे देख लिया था ना, इसलिए बेचैन हो गए। पार्क में उनकी व्हीलचेयर टकराने वाली थी बेंच से, मैंने बचा लिया था। क्या हुआ पापा, क्या देख रहे हैं आप? हो तो वहां तुम थे, इसीलिए पापा वहां से आना नहीं चाहते थे। हेलो, क्या? ठीक है, मैं आता। वो डॉक्टर की गाड़ी खराब हो गई है तो मैं देख कर आता हूँ। रुचिता इस घर में रहेगी या नहीं, अब इसका फैसला डॉक्टर ही करेंगे। पापा जी को जल्दी से ठीक कर दीजिए खाटू महाराज, और मुझे इतने महीनों बाद मेरे परिवार से मिलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बस इतनी ही प्रार्थना है कि सबको खुश रखिएगा। ये हुआ कैसे? क्या हुआ डॉक्टर साहब, इनकी तबीयत क्या कुछ ज्यादा बिगड़ गई क्या? नहीं नहीं, बल्कि चमत्कार हो गया। इनका बीपी और हार्ट रेट बिल्कुल नॉर्मल है, और इनकी बॉडी मूवमेंट्स भी काफी बढ़ गई है। अगर ऐसा ही रहा तो ये तो चलने लगेंगे। नर्स टोल्ड मी ये रुचिता जी के आने के बाद से ही हुआ, लेकिन आपने तो कहा था कि रुचिता जी मर चुकी है, फिर वो आई कैसे? मुझे जयपुर नहीं आना चाहिए था, निहार जी से दूर थी, उन्हें महसूस करती थी। आज उनके इतने करीब होकर भी उनसे इतनी दूर हो गई। लेकिन निहार जी की खुशी में ही मेरी खुशी, मैं चली जाऊंगी उनसे दूर, और इस घर में कभी वापस नहीं आऊंगी, कभी वापस नहीं आऊंगी। खाटू जी, निहार जी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके, मैं उनका बीता कल हो चुकी, मैं जा रही हूँ, लेकिन घर की खुशियाँ बनाए रखना। आपकी रुचिता जी के साथ जो भी निजी दिक्कतें हैं वो आप समझिए। डॉक्टर होने के नाते मैं आपको यही सलाह दूंगा कि इन्हें सिर्फ रुचिता जी ही बिस्तर से उठा सकती हैं। इनकी जान रुचिता जी के हाथों में, अगर वो वक्त पर नहीं आती तो इन्हें ब्रेन हेमरेज हो सकता था। अगर वो उनके पास नहीं रही तो इनकी जान पर खतरा बना रहेगा। देखिए, कभी कभी पेशेंट इमोशनली किसी के साथ बहुत जुड़ जाता है, और नरेश जी भी रुचिता जी के साथ वैसे ही जुड़े हुए हैं। अगर आप इन्हें फिर से पहले जैसा ही देखना चाहती हैं तो मेरी बात मानिए और रुचिता जी को बुला लीजिए। देखिए प्लीज, आप लोग जल्दी से डिसाइड कीजिए, अगर इन्हें दोबारा दौरा पड़ गया तो इनकी जान बचाना मुश्किल हो जाएगा।
मांग का सिंदूर अब आंचल का है। वो मैं बस जा ही रही थी। अच्छा और उच्चतम, किस हक से आप मुझे रोक रहे हैं नेहा जी? आपने ही मुझे कहा था ना, चली जाओ मेरी जिंदगी से, इस घर से। तो इस घर से, मेरी जिंदगी से, हमेशा हमेशा के लिए चली जाओ। जा रही हूँ अब मैं, और इसी में सबकी भलाई है। रुचिता, मैं जानता हूं मेरा तुम पर कोई हक नहीं है, लेकिन पापा का तो तुम पर हक है ना। उनके लिए रुक जाओ। डॉक्टर ने कहा है कि अगर तुम उनके साथ रहोगी तो वो जल्दी ठीक हो जाएंगे, वो फिर से चल पाएंगे। सच? हाँ, इसीलिए प्लीज पापा के लिए हाँ कह दो। ये है आंचल निहार को, निहार की पत्नी और इस घर की छोटी बहू। इस घर के सुख शांति और खुशियों के लिए चुपचाप चले जाओ यहाँ से वापस। मैं भी यही चाहती हूँ निहार जी कि पापा जी जल्दी से ठीक हो जाए, लेकिन अब वक्त के पहिए में सब पीछे छूट चुका है। लेकिन अब मेरा परिवार उदयपुर में है जो मेरा इंतजार कर रहा है। उनसे मैं बात कर लूंगा रुचिता, प्लीज तुम हम पर ये एहसान कर दो। कुछ ही दिनों के लिए से प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। नहीं नहीं आजी, प्लीज ऐसा मत कही। ठीक है, अगर मेरे यहाँ रुकने से किसी को कोई दिक्कत नहीं तो मैं यहाँ रुक जाऊंगी। किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी रुचिता, जब तक नरेश ठीक नहीं हो जाता तुम इसी घर में रहोगी, ये मेरा फैसला है। पूनम, मैं ऑफिस में छुट्टी के लिए बोल देती हूँ। थैंक यू सो मच। मैं पापा को बता कर आता हूं। मंगलसूत्र? रचिता इस घर में तो आ गई, लेकिन मैं निहार की जिंदगी में उसे वापस नहीं आने दूंगी। हेलो। हाँ मम्मी, वो जब तक पापा जी ठीक नहीं हो जाते मुझे यहीं रुकना पड़ेगा, उनके ठीक होते ही मैं वापस आ जाऊंगी। खाटू श्याम जी महाराज करें कि वो लोग तो तुझे वापस आने ही ना दें। नरेश भाई साहब के ठीक होते ही सब तुझे अपना ले, निहार जी और पूनम जी तुझे तेरा हक, तेरा घर, तेरे रिश्ते सब वापस दे दें, तेरी जिंदगी में फिर से खुशियां लौट आए। मेरे बच्चे, तुम्हारी मांग का सिंदूर अब आंचल का है, तुम्हारे सारे हक, सारे रिश्ते अब इस लड़की के। उसके लिए बहुत देर हो गई मम्मी, अब कुछ ठीक नहीं हो सकता। मतलब? कुछ नहीं मम्मी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ।